फिजिक्स पढ़ता हूं तो फिजिक्स समझ में आती है, मैथ्स पढ़ता हूं तो मैथ्स समझ में आता है, सेल्फी लेता हूं तो मुस्कान छा जाती है, और जब मैं रील्स बना के इंस्टा पे डालता हूं तो लाइक्स और कमेंट्स आती है। मतलब वेयर यू आर गिविंग योर टाइम, आप अपना समय कहां पे दे रहे हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताया कि भाई अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं सेमिनार करने, सेशन करने, राइट। वो कुछ आपको बताएंगे, नई चीजें समझाएंगे। तो आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, एक्सक्यूज मी, जब मैं अपने क्लास में जाऊंगा जहां मैंने जो है कि शुरुआत की, जहां पे बेचारे लोग जो है कि मेरी राह देख रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा था उसी पे दिमाग काम कर रहा था मेरा कि मैं क्या बनाऊं, क्या लिखूं, क्या बताऊं, क्या समझाऊं, तो मैं उसी पे सोच रहा था। इसका मतलब फिजिक्स पढ़ता हूं तो फिजिक्स समझ में आती है, मैथ्स पढ़ता हूं मैथ्स समझ में आती है, और लड़की लड़का पटाता हूं तो लड़की लड़के पटाता हूं, राइट। अब आपका दिमाग क्या है, सबसे पहले एक चीज आप लोग खोल के सुन लीजिए कि आप लोग जो यहां पे बैठे हैं, आपके जो चेहरे पे ललक है, जो माथे पे थथक है, वो ये बता रही है कि आपके मम्मी पापा का एक सपना है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, मैं भी जवान आप भी जवान, मैं भी कम उम्र का आप भी कम उम्र में के। सबसे पहली बात क्या होती है, जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारे पास एक सोच आ जाती है कि यार चलो कम से कम रंगीन दुनिया है तो रंगीन दुनिया में जी लें। मैं यहां से दिल्ली तक देखा हूं, रंगीन दुनिया, हर जगह रंगीन दुनिया है। रंगीन दुनिया के साथ साथ जब आप यहां पे क्लास में बैठते हैं तो एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आप अपने मम्मी पापा का सपना लेके बैठे हो, आप अपने भाई बहन का सपना लेके बैठे हो। इसलिए आपको ये चीज समझना होगा कि आप जब यहां पे बैठे हो, आप लोग बैठे हो ना, यहां बैठे हो, ध्यान दे रहे हैं, आप ड्रेस पहन के, बैग लेके, किताब लेके, कॉपी लेके आप आए हैं, इसका मतलब इस बैग में सिर्फ किताबें नहीं है, आपके घर परिवार का सपना है, आपका सपना है, आपको कुछ बनना है, आपको कुछ आगे करना है। इट मींस फिजिक्स पढ़ता हूं तो फिजिक्स समझ आती है, मैथ्स पढ़ता हूं तो मैथ्स समझ में आती है, और मम्मी पापा के सपने के बारे में अगर सोचता हूं तो मुझे हर घर में, हर द्वार पे, हर एक गेट पे, हर एक पेड़ पे, हर एक रास्ते में, हर एक कदम पे, हर एक किताब के पन्ने पे, हर एक कॉपी के पन्ने पे मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने मां बाप का सपना दिखाई देता है, क्योंकि मैंने अपने मां बाप से यह वादा किया है कि आई विल अचीव समथिंग एंड आई विल डू समथिंग, मैं कुछ करूंगा और आप लोग के सपने को साकार करूंगा, आप लेके ख्वाब को पूरा करूंगा। मम्मी पापा उनके कदम को छुइए, उनके कदम को, उनके हाथों को चूमिए और उनसे बोलिए कि मम्मी पापा आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन आपका ये जो बेटा है, ये बेटी है, एक दिन आईएएस आईपीएस पीसीएस क्वालिफाई करके और आपके सीने पे स्टार लगा के बताएगा। अल्लामा इकबाल की एक शायरी है कि मंजिल के आगे तू मंजिल तलाश कर,